विख्यात इतिहासकार कल्हण के बारे में अगर भारत का इतिहास हम अच्छे तरीके से देख रहे हैं तो इनको इग्नोर नहीं किया जा सकता। भारत के प्रख्यात इतिहासकार है कल्हण। देखिए कल्हण के बारे में सबसे बड़ी चीज ये है कि कल्हण ने कश्मीर का इतिहास लिखा है। कश्मीर के इतिहास में बहुत बड़े ये विद्वान है, कश्मीरी इतिहासकार है, और इन्होंने लिखा है राजतरंगड़ी नाम का ग्रंथ इन्होंने लिखा है। राजतरंगड़ी का शाब्दिक अर्थ देखा जाए तो राज मतलब राजा और प्लस तरंगड़ी मतलब नदी, राजाओं की नदी, मतलब कश्मीर का एक बहुत बड़ा विस्तृत इतिहासकार इतिहास उन्होंने लिखा है, जिसमें कई सारे राजवंशों के बारे में, कई सारे राजाओं के बारे में उन्होंने लिखा है। और देखिए यह जो राजतरंगड़ी उन्होंने पुस्तक लिखा है यह 1148 से 1150 के मध्य लिखा है। तो इस अगर कल्हण के बारे में जान अगर आप जानकारी इकट्ठा करेंगे तो राजतरंगड़ी के बारे में, राजतरंगड़ी और कल्हण का वही संबंध है जो महर्षि वाल्मीकि का रामायण से था और गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज का रामचरितमानस से था। तो कश्मीर के इतिहास में कल्हण का एक विशेष महत्व रखता महत्व है और इन्होंने यह पुस्तक लिखा है राजतरंगड़ी, जो कश्मीर के इतिहास को बहुत ही क्रमबद्ध तरीके से हर वंश के बारे में, हर वंश के हर छोटे छोटे राजाओं के बारे में, उनके द्वारा किए गए प्रशासनिक कार्य कैसे, उनके प्रशासनिक निर्णय लिए गए, क्या उनका राजनीतिक परिवेश था, क्या उस समय सामाजिक स्थिति थी कश्मीर की, उस सब के बारे में इन्होंने कल्हण महोदय ने बहुत ही विस्तार से चर्चा किया है राजतरंगड़ी। इनके पिताजी का नाम था चंपक। देखिए चंपक जो थे यह कश्मीर के राजा हर्ष के दरबार में महामात्र थे। महामात्र का तात्पर्य मंत्री, कश्मीर के राजा हर्ष के दरबार के महामात्र थे चंपक। और चंपक के दो पुत्र थे, एक तो कल्हण थे लेकिन कल्हण के ही एक अग्रज थे मतलब बड़े भाई थे और उनका नाम था कनक। कनक जो थे कुशल संगीतज्ञ थे और कुशल संगीत संगीतज्ञ थे। और यहाँ पर कल्हण जो है ये आपके इतिहासकार है, इनको तो इनके बारे में तो आप जानकारी हुई गई होगी। देखिये राजतरंगड़ी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक है जो आपको विशेष रूप से जानकारी होना चाहिए। सबसे पहली बात कि राजतरंगड़ी जो है एक संस्कृत ग्रंथ है। इसकी भाषा से ही क्या है, भाषा क्या है, संस्कृत है, मतलब संस्कृत भाषा में इतिहास है, बहुत ही बढ़िया ग्रंथ है और विशेष रूप से कश्मीर के इतिहास को जानने के लिए, एक क्षेत्र विशेष के इतिहास को जानने के लिए। तो यह जाने इसकी भाषा से ही जो है संस्कृत है। यह कश्मीर के इतिहास को जानने का कश्मीर के इतिहास की बहुत ही ज्यादा, और एक बात और बता दें कश्मीर के इतिहास को जानकारी के लिए यह सबसे बड़ा ग्रंथ है और एक मात्र ग्रंथ है जो राजतरंगड़ी लिखा है कल्हण ने। संस्कृत में ऐतिहासिक घटनाओं पर क्रमबद्ध इतिहास, यहाँ पर मैं क्रमबद्ध क्यों लिखा हूँ क्योंकि ऐसा नहीं है कुछ छूटा है, इसमें कुछ छूटा नहीं है, इसमें कई सौ वर्षों का कश्मीर का इतिहास क्रमबद्ध रूप से मिलता है, जिसके लिए आपको भटकना नहीं पड़ेगा, अन्य ग्रंथों का सहारा नहीं लेना पड़ेगा। यहाँ का जो क्या है आदिकाल से लेकर 1151 तक, जैसा कि हमने बताया कि कल्हण महोदय ने जो लिखा है राजतरंगड़ी 1148 से 1150 तक लिखा है, मतलब इसी को तीन सालों में उन्होंने राजतरंगड़ी लिखा है। तो आदिकाल से लेकर 1151 तक का इतिहास इसमें है। पुस्तक की रचना हुई है, कई सारे अन्य ग्रंथों का सहारा लिया गया है, जिसमें 11 अन्य ग्रंथों का सहारा लेकर यह राजतरंगड़ी पुस्तक लिखी गई है, जिसमें एक आपका नील पुराण एकमात्र ग्रंथ है जो इस समय है। तो 11 ग्रंथों का सहारा लिया गया है, इसमें एक नील पुराण ग्रंथ है। राजतरंगड़ी में कितने ग्रंथ है, जिस तरह से अर्थशास्त्र जो आपका ग्रंथ है अर्थशास्त्र जिसका लेखक जो है कौटिल्य है, उसमें अर्थशास्त्र कितने भागों में विभाजित है, 15 अधिकरण है और 180 प्रकरणों में विभाजित है अर्थशास्त्र। वैसे ही राजतरंगड़ी जो है वह 8 तरंगों में विभाजित है, 8 तरंग है इसमें, 8 तरंगों में विभाजित है और 8000 श्लोक है इसमें। संस्कृत भाषा में है तो श्लोक रहेगा, तो 8 तरंग का मतलब ये समझ लीजिए अध्याय, ऐसे समझ लीजिए 8 तरंग है और 8000 श्लोक है कुल मिलाकर। पहले के तीन तरंग मतलब 1, 2, 3 पहले के जो तीन तरंग है वह कश्मीर के प्राचीन इतिहास की जानकारी देते हैं। कश्मीर के सबसे प्राचीन इतिहास के बारे में जानकारी अगर करना है पहले से तीन तरंग के बारे में, और चौथे से छठवां जो तरंग है वह कारकोट एवं उत्पल वंश के बारे में जानकारी देता है। कारकोट और उत्पल वंश के बारे में जानकारी जो देता है वह चौथा से छठवां तरंग देता है। अंतिम सातवें और आठवें तरंग के बारे में जानकारी किस वंश के बारे में मिलती है, लोहार वंश के बारे में जो मिलती जानकारी मिलती है अंतिम सातवें और आठवें तरंग।